तो हेलो दोस्तों, किचन कुक 4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मटन बोटी किस तरह से बनाना है और इसका बनाने का तरीका एकदम सही तरीका इसके अंदर हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। और किचन कुक 4 चैनल को अभी तो लोग सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वाली घंटी को ऑल कर लो, इससे क्या होगा जो नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं मटन बोटी किस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 250 ग्राम मटन लिया हुआ है और इसके पीसेस आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो है आपको पीस बना लेना है और ये जो इसमें चर्बी लगी रहती है वो चर्बी लगी रहती है इसको आपको जो है साफ़ कर लेना है, जैसे मैंने पहले साफ़ करके रखा हुआ है। अब इसका हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें इसमें पड़ेंगी आप देखते जाइए। यहाँ पे 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून मिर्ची पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। टेस्ट अनुसार नमक 20 ग्राम, राई का तेल थोड़ा सा रेड कलर खाने वाला, और उसके बाद इसको गलाने के लिए हम क्या डालेंगे, पपैया। इसको सबसे पहले आपको चेक कर लेना है इसके अंदर दूध है या नहीं, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इसके अंदर दूध भरपूर है, तो ऐसा पपैया आपको यूज करना है। और इसको मेडिसिन के लिए आपको इस तरीके से जो है कटिंग कर लेना है, जैसा मैं आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ। इसके ये खाली छिकल वाला ही इसके अंदर जाना चाहिए। तो आपको छोटा पपैया लेना है और आधे पपैये का छिकल जो है इस तरीके से स्लाइस करके इसके अंदर डाल देना है, जैसे मैंने आपको कटिंग करके डाल के दिखाया। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद में आपको खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देना है और थोड़ा मालिश भी कर देना है, ताकि इसका पपैये का जो दूध है और पपैया इसके अंदर अमेज हो जाए। तो हमने इसको खूब अच्छी तरीके से मिला लिया। अब मैरिनेशन के लिए दोस्तों इसको आपको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो हमारा यहाँ पे मैरिनेशन हो चुका है, अब इसको हम 2 घंटे के लिए छोड़ दे रहे हैं और 2 घंटे के बाद इसको हम पकाएंगे। तो अभी हम आपको भरने का तरीका बता रहे हैं और फिर कैसे सेका जाता है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये छोटी सरिया लेना है। जैसे आपको सिकड़ी के ऊपर अगर सेकना है तो बहुत से लोग क्या तंदूर में पकाते हैं, तो हम आपको यहाँ सिकड़ी पर पका करके दिखा रहे हैं। आपको बारीक सरिया लेना है छोटी वाली और इस तरीके से जो है पीसेस को भर लेना है। और भरने के टाइम यहाँ पे जो होता है थोड़ा सा अंतराल यानी हल्का सा गैप ज़रूरी है। तो ये देख सकते हैं हमने किस तरीके से और कितनी आसानी के साथ में इसको भर लिया। आपको इसी तरीके से जो है सलिए में पीसेस इसके भर लेने हैं। तो दोस्तों आपने देखा हमारा भरने का तरीका, और अब हम इसको सिकड़ी पर कैसे पकाएंगे आप देखते जाइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सिकड़ी तैयार है, आग से भरपूर है। आपको इसी तरीके से जो है सिकड़ी में आग बना लेना है और इसको हम सेकने के बाद सिकड़ी के ऊपर रखेंगे। ये हमने रख दिया और रखने के बाद में आपको इसको थोड़ा थोड़ा सा गैप कर देना है और बस ऐसे ही घुमा घुमा के आपको सेकते रहना है। तो देखते जाइए हमारा सेकने का तरीका। तो हमने सिकड़ी के ऊपर रखा और इसका पानी सोखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ़ैन को थोड़ी देर ऑन करेंगे, जैसा हम इसमें आपको करके बता रहे हैं। तो हमने फ़ैन इसके लिए चलाया है जो इसमें पानी होता है चिकन ये मटन का, वो हमारा सूख जाएगा, उसके बाद में हम इसको स्लो स्लो आँच पर पकाएँगे।
तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, इसमें पानी आप देख सकते हैं सूख चुका है। अब हम फैन ऑफ कर देंगे और इसी आँच पे स्लो स्लो पकाएंगे। तो हम फैन ऑफ कर देते हैं और आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। अगर लपट लगती है तो आप इसको थोड़ा सा साइड कर सकते हैं। लपट बंद होने के बाद में आप फिर से इसके ऊपर रख दीजिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पक कर आ रहा है। यहाँ पे हमारी यह हाफ डोम हो चुका है और हम इसको फिर से पका रहे हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे बोटी अपना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोटी हमारा गल करके एकदम तैयार हो गया है। तो अब इसको हम उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमारी मटन बोटी बनकर के एकदम तैयार हो गई है और आपको इसी तरीके से उतार लेना है। आप देख सकते हैं शाइनिंग और इसकी खूबसूरती आपको दिखाई दे। दोस्तों हमारा यहाँ पे ये सर्व के लिए तैयार है और इसमें और टेस्टी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें डाली जाएंगी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से हल्का हल्का इसके ऊपर चाट मसाला सारी पीसेस के ऊपर डाल देना है। ये हमने चाट मसाला अच्छे तरीके से लगा दिया और आप चाहें तो इसके ऊपर नींबू डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे डाल कर नहीं बता रहे हैं, इसके अंदर रख दे रहे हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ धनिया का पत्ती आपको इस तरीके से डाल देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना अच्छा कलर आया हुआ है। और दोस्तों इस रेसिपी की जितनी भी हम तारीफ़ करें उतना कम है, क्योंकि हमको भी जब खाना होता है तो हम लोग ऐसे बना के फुल इन्जॉय करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी करें। शुक्रिया। ये था हमारा मटन बोटी बनाने का तरीका। आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि मटन बोटी किस तरीके से और कैसे बनाया जाता है। दोस्तों ये हमारी रेस्टोरेंट रेसिपी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल किचन कुक फोर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन वाली घंटी को ऑन कर लीजिए हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और दोस्तों कुकिंग से रिलेटेड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो प्लेयर में देख सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए मटन बोटी रेसिपी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।